बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम अपने बागो मैगज़ीन चैनल के ज़रिए आपको मज़ेदार और सेहतमंद खाना पकाने की रेसिपीज़ बताते रहेंगे। ये वो रेसिपीज़ हैं जो रोज़मर्रा के खानों को पुरलुत्फ बना देंगी। आज हिना आपके साथ बटेरों की रेसिपी शेयर करने जा रही हैं, जो कि हमारी नस्ल दर नस्ल आसमुदा खाने की तरकीब में से एक है। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको बटेरों की रेसिपी बताने जा रही हूँ। चलते हैं अज्जा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मीडियम प्याज, 8 जवे लहसुन, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, खुशक धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, एक टमाटर का पेस्ट, दही 3 टेबलस्पून, 8 बटेरे। अच्छा, प्याज 1 दरमियाना, लहसुन 8 जवे, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चौथाई चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चौथाई चाय का चम्मच, टमाटर 1 का पेस्ट, दही 3 खाने के चम्मच, बटेर 8 अदद। को इसके बनाने की तरकीब बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में सबसे पहले लहसुन प्याज को आपने 1/2 कप पानी डालने के साथ 2 मिनट का वेट लगा देना है। हल्की आंच पर टाइम पूरा होने पर कुकर को उतार लें और 5 मिनट के लिए ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। आधा कप ऑयल डालकर लहसुन प्याज के पेस्ट को ऑयल में शामिल करें। पानी खुश्क होने तक हल्की आंच पर पकने दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो बटेरों को इसमें शामिल करें और 10 से 15 मिनट के लिए भून लें और साथ ही नमक भी शामिल कर लें।
बटेरे अच्छे से भूनने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डालें और बाकी के मसाले शामिल करें। 5 मिनट तक इसको पकाएं। और फिर आँच हल्की करके दही शामिल कर दें, क्योंकि दही जब आप तेज़ आँच पे डालेंगे तो उसके फटने का होता है कि दही फट जाता है, तो बेहतर है कि आप इसको हल्की आँच पर डाल के तो फिर इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए पकने दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो है मज़ेदार खानों का आपको पता चलता रहे। अब आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से तैयार हो गया है भूनने के बाद। और अब इसमें 1 कप पानी गरम डालें। याद रखें, जब भी आप कोई चीज़ पकाएं तो सालन में गरम पानी डालें, खासकर शोरबे में या मसाले वाले सालन में। सब्ज़ी में तो खैर पानी डलता ही नहीं, आपको पता ही होगा। तो इससे ये होता है कि इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाता है। ये देखें, अब ये जो है ये हमारा बहुत मज़े का जो मसाला है ये तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो डाल दें। आज की वीडियो पर लाइक का बटन लाजमी दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।